ले यार हेलमेट पहन ले। नहीं यार मैं नहीं पहन रहा, बाल खराब हो जाएंगे। दिगी आ गई भैया। दिगी में कहाँ जाना है? शक्तिमान कॉलेज भैया। शक्तिमान कॉलेज? अरे वहीं से तो मैंने इंजीनियरिंग ली है। आए कभी दूर शहर में, कभी पास प्रांत में, कभी आवाजों से घिरा हुआ, कभी मन शांत में, कभी दुखों का कभी खुशियों का घर है, जज्बातों से भरा हुआ एक किस्सा सफर है। कोई अपना इंतजार में बैठा है, कोई अपना प्यार में बैठा है, कोई किसी की यादों से जी रहा है, कोई किसी की सांसों से जी रहा है, किसी को किसी के ना आने का डर है, जज्बातों से भरा हुआ एक किस्सा सफर है। एसी क्या होता है? अरे फर्स्ट ईयर। आप किस ईयर में हो भैया? अरे भैया बोल रहा है। यहाँ पे भैया नहीं बोलते, सर बोलते हैं। अच्छा कोई नहीं, सीख जाएगा। चलो हॉस्टल दिखा के लाते हैं। आओ। कभी मछली चीता स्पाइडरमैन बने हो? ना। कभी बॉटल उठाई है? हाँ बिना हाथ के। उसने उठाई है। भाई थोड़ा चिल कर, हम लोग भी ऐसे ही हैं। है। आज तो बच गए यार। रुको बेटा, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। अभी जा रहा हूँ। अरे बागे देखते हैं। और मेरे He is the biggest criminal. He is the biggest businessman. This is the biggest national issue. ओए एक बात बताओ यार, तुम्हें कौन कौन सा जानवर पसंद है? सर हाथी। सर मेंढक। हाथी, आई लाइक इट। अरे यार आज तो हाथी में मजा आ गया, आज के लिए काफी है। थैंक यू सर। भाई रिजल्ट आ गया। अरे रिजल्ट आ गया भाई। भाई रिजल्ट आ गया। अबे पता भी नहीं चला कब आ गया। रिजल्ट आ गया, तूने देखा? रिजल्ट आ गया भाई। रिजल्ट रिजल्ट सो रहा है, बता। रिजल्ट आ रखा है यहाँ पे। हाँ अबे रिजल्ट आ गया, रिजल्ट देखो यार। सही बता। हाँ रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आ गया भाई देख। ये कभी भी निकाल देते हैं भाई। रिजल्ट आ गया विकास, रिजल्ट आ गया, चेक कर। तू भी चेक कर। सही बता। हाँ सच में देख। ऐसा पार्टी है भाई, मौज है, मौज पार्टी एकदम। चेक करो जल्दी और बता के आता। और विकास तेरी कितनी आई? एक भाई। एक? अरे कोई ना, एक में तो बैक है। एक में पास नहीं। अरे,
गलत कोई नहीं यार। कहाँ जा रहा है? आता हूँ मैं बाहर जाके। तैयार नहीं हो तो अभी तक चल रहे हैं ना अपन? हाँ चल रहे हैं। तो तैयार हो ना, सब वेट कर रहे हैं, जल्दी तैयार हो, आ जाइए, वेट कर रहे हैं। तेरे को पता है रिजल्ट आ गया? हाँ कल शाम का, तुमको नहीं पता? और दिव्यांशी एक्सपेक्टेशन तो तेरे से थी, कितनी आई थी? 9.8। अरे वो छोड़ो, विकास कहाँ रह गया? विकास, अरे विकास भाई कितने बने? प्लेसमेंट का क्या सीन है कॉलेज में? अरे तुम्हें पता है जिसके फर्स्ट ईयर में 9 सीबी आई थी, वो इस बार काफी अच्छी प्लेसमेंट लिया है। हाँ, उनकी हाईएस्ट थी मैंने सुना है, ऐसा कुछ है क्या? 50 lakhs कम नहीं होता यार? वही यार, मेरे लग जाए तो भाई पार्टी। हाँ इसकी तो 9.9 है ही, उम्मीद है। हाँ अच्छी लगेगी यार। नीचे मुख दिव्यांशी, आराधना, क्या मजाक है? कहाँ गए सब? इसमें लास्ट एंट्री तो मेरी ही है। अभी भी 11:15 हो रहे हैं, वहां पर भी तो 11:15 हो रहे थे। अभी
मेरा फ्लोर कहाँ गया? नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते आजिए। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते आजिए। हम विकास के माता पिता हैं। बोलिए क्यों आना हुआ? सर ये आजकल अजीब अजीब सी बातें करता है, पता नहीं इसे क्या हो गया है। हम जब इसे फोन करते हैं ना तो ये फोन पे हमसे ढंग से बात करता है, और इसके दोस्त बता रहे थे हमें कि ये खाना पीना भी नहीं खाता। पता नहीं इसे क्या हो गया है, खोया खोया सा रहता है। अब हम क्या करें, आप ही बताओ कुछ। हाँ जी, कल फोन पे बात करी थी तब ये बताया इसने कि 11 बजे इस पर टाइम रुक जाता है, इसके बाद इसका और खोया खोया सा रहता है, पागलों जैसी हरकतें करता है, कुछ दिखता ही नहीं है इसे। तब आप ही बताओ क्या करेंगे। मैं उसका काउंसलर हूँ, एक सेमेस्टर से काउंसलिंग कर रहा हूँ। थोड़ी दिक्कत है बट वो लगभग ठीक हो सकती है, ऐसा है। उसके रिपोर्ट्स पढ़ लिए मैंने, उसका अभी कल एग्जाम रिजल्ट आया है तो उसका असर उसके ऊपर हुआ है। 11-15 पे उसके दोस्त का जो एक्सीडेंट हुआ था उसका सदमा उस ट्रॉमा में हुआ है, तो उस ट्रॉमा से बाहर निकालने के लिए हम माँ बाप ही उसको अच्छे से समझ के, उसका दोस्त जैसी काउंसलिंग करके उसको थोड़ा समझ के उसको उससे बाहर ला सकते हैं। और एक चीज़ की जा सकती है कि हम प्रोफेशनल काउंसलर की मदद लेके इस चीज़ से बाहर कैसे निकालना है वो हम कर सकते हैं, तो उसके लिए हम ऊपर से परमिशन लेके वो करेंगे। ये अब आपका बच्चा है, हम तो बहुत दूर रहते हैं, आप ही संभालो अभी से। बिल्कुल, हमारा तो ध्यान होता है, एज ए काउंसलर मैं ध्यान देता ही हूँ। इतना क्यों घबरा रहे, घड़ी खराब है। अच्छा ओके सर। नमस्कार दोस्तों, तो ये थी विकास की कहानी। इस कहानी के माध्यम से मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहूंगा कि जिस तरह हमारे जीवन में शारीरिक स्वास्थ्य का बहुत महत्व है, उसी तरह मानसिक संतुलन भी बहुत जरूरी है। मानसिक रूप से स्वस्थ होने का मतलब ये नहीं कि आप डरे नहीं या परेशान नहीं हो, उसका मतलब ये है कि आप उस डर से ऊपर उठें और आगे बढ़ें। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपके लिए प्रेरक बनी होगी। धन्यवाद।